फीफा वर्ल्ड कप अपने आखिरी चरण में आ चुका है। इस बार के विश्व कप में अर्जेंटीना और डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस ने फाइनल में जगह बनाई है। फ्रांस ने सेमीफाइनल में मोरक्को और अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को शिकस्त दी। विश्व कप का फाइनल मैच 18 दिसंबर रविवार को खेला जाएगा। फाइनल में जीतने वाली टीम और रनर अप रहने वाली टीम को कितनी प्राइज मनी दी जाएगी, इस बात का भी अब खुलासा हो चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि फीफा में फाइनलिस्ट और रनर अप से लेकर किस टीम को कितनी प्राइज मनी दी जाएगी। इस वर्ल्ड कप में कुल $440 मिलियन की प्राइज मनी बांटी जाएगी। ये रकम पिछले सीजन से $40 मिलियन अधिक है। इस बार फीफा जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के अलावा $42 मिलियन यानी करीब $344 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं रनर अप टीम को $30 मिलियन यानी करीब $245 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फाइनलिस्ट और रनर अप के अलावा तीसरे नंबर की टीम को $27 मिलियन दिए जाएंगे जो कि करीब $220 करोड़ रुपए होंगे। तीसरे नंबर के लिए मोरक्को और क्रोएशिया के बीच 17 दिसंबर को मुकाबला होना है। तो वहीं चौथे नंबर की टीम को $25 मिलियन यानी कि करीब $204 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा पांचवें से आठवें नंबर पर मौजूद टीमों को $17 मिलियन यानी कि करीब $138 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद 9 से 16वें नंबर पर मौजूद टीमों को $13 मिलियन यानी कि भारतीय रुपए अनुसार $106 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं आखिर में 17 से 32वें नंबर पर मौजूद टीमों को $9 मिलियन करीब $74 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी। साल 2018 में खेले गए वर्ल्ड कप में विजेता फ्रांस को $38 मिलियन रकम दी गई थी जो कि करीब $314 करोड़ रुपए थी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा।